तुम्हारे रिजक के फैसले किस कहाँ होते हैं? आसमानों पर। कहाँ? ये काली बिल्ली से गुजर डर जाता है मुसलमान, काली बिल्ली से। वापस आ गई है, कहता है मैंने नहीं जाना दुकान पे। ओ क्या हुआ है? कहता है काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। ओ अकल के अंधे, काली बिल्ली को क्या इख्तियार है तेरा रिजक बंद करने का? कोई तेरे रिजक को बंद नहीं कर सकता। हकायक की दुनिया में आ। मेरे आका नमाज से सलाम फेरते तो क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, तू जिसको देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसके खजानों को बंद कर सकती? ये झूठ है। फलाने रिजक बंद कर दिया, फलाने खोल दिया, किसी के पास कोई इख्तियार? अपने अकीदे को सही कर, अपने नजरिए को दुरुस्त कर। अल्लाह के बंदे हकायक की दुनिया में ये वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाले हर जानवर के रिजक का अल्लाह ने जिम्मा लिया। अल्लाह वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुवादून, तुम्हारे रिजक के फैसले कहाँ होते? आसमानों पे। और ये मकान की छत पे उल्लू बोल जाए, इंसान उल्लू बन जाते। क्या कहते हैं? हाय मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। वो क्यों भाई? कहता है मेरे मकान की छत पे उल्लू बोल गया। उल्लू क्या कर सकते? कहता मनहूस है, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अल्लाह के बंदे कुरान को तर्जमे से पढ़, अल्लाह खजाने खोल दे, दुनिया की कोई ताकत उसके खजानों को रोक सकती? नहीं रोक सकती। हकायक को समझ, कुरान को पढ़। तो वह फिर समाई रिस्कु को मातुआ थे। कहाँ है रिजक? आसमानों पर। रिजक के फैसले आसमानों पर होते हैं। और अल्लाह ने क्या फैसला उतारा? जमीन पर चलने वाले हर जानवर को रिजक कौन देता है?